हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी चैनल बायो साइंसेस। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल एनाटॉमी ऑफ आई एंड द स्ट्रक्चर ऑफ रॉड सेल एंड कॉन सेल्स एंड द वेरियस डिसीज फाउंड इन आई। ड्यू टू वेरियस एरर्स इन अ रिफ्रेक्शन आई के अंदर काफी सारे डिसीज होते हैं। तो चलिए हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई पोल। एज यू कैन सी हियर, आईबॉल के स्ट्रक्चर के अंदर वेरियस थ्री डिफरेंट लेयर होते हैं। उसमें से सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं और ट्यूनिका फाइब्रोसा कहते हैं। तो ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका फाइब्रोसा है वो दो डिफरेंट फॉर्म बनाता है। उसमें से जो 5/6 पोर्शन कवर करता है उसे स्क्लेरा कहते हैं, और जो 1/6 पोर्शन एंटीरियरली जो 1/6 पोर्शन कवर करता है वो कॉर्निया। स्क्लेरा जो है वो ओपेक है और व्हाइट फाइब्रस एपिथेलियम से बना हुआ है और वो आईबॉल को प्रोटेक्ट करता है। और जो कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट है मगर फिर भी उसका कलर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये जो आयरिस है विच इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, एंड ये जो आयरिस है उसका कलर ब्लू, ब्लैक, ब्राउन और ग्रीन और ग्रे होता है। इस वजह से हम देखते हैं काफी सारे लोगों की ब्राउन आई होती है, ब्लू आई होती है, ब्लैक आई होती है। तो इसका रीजन है द कलर ऑफ आयरिस। एंड ये जो आयरिस है वो कहां पर लोकेटेड होता है? जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। ओके, एंड द मिडल मोस्ट लेयर इज नोन एज द ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका वास्कुलोसा। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है ये, आप देख सकते हैं कि यहां से मिडल मोस्ट लेयर शुरू होता है, ये है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका वास्कुलोसा इन अदर वर्ड। तो ये तीन डिफरेंट लेयर बनाता है। ये जो ए है इसको कोरोइड कहते हैं, और फिर ये कोरोइड आगे जाके सिलियरी बॉडी बनाता है, और सिलियरी बॉडी आगे जाके आयरिस बनाता है। ये जो सिलियरी बॉडी है इसके साथ सस्पेंसरी लिगामेंट जुड़ा होता है, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट फिर लेंस के साथ जुड़ा होता है जो लेंस की शेप और साइज को मेंटेन करेगा। और ये जो आयरिस है वो प्यूपिल जो है प्यूपिल के डायमीटर को मेंटेन करेगा, वो हम आगे जाके देखेंगे। ओके, और जो इनर मोस्ट लेयर है उसे कहते हैं ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका नर्वोसा, और इन अदर वर्ड रेटिना। तो ये जो रेटिना है वो वेरियस 10 डिफरेंट लेयर से बना होता है, लेकिन हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में डीप नहीं जाएंगे। तो आउटर फिर भी हम फ्यू लेयर के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है रेटिना का उसे कहते हैं पिगमेंटेड एपिथेलियम। अब इस पिगमेंटेड एपिथेलियम का क्या काम है? तो जो लाइट आती है, द लाइट्स कम फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, तो उस लाइट को ये एब्सॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट होने से प्रिवेंट करता है। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो गई तो फिर ये लाइट यहाँ पर यहां तक नहीं पहुंच सकेगी, और फिर वो आगे पूरे ब्रेन तक वो सिग्नल नहीं जाएगा। तो ये लाइट को प्रिवेंट करता है और रिफ्लेक्ट होने से, और ये लाइट को एब्सॉर्ब करता है। ओके, तो जस्ट बिहाइंड दिस पिगमेंटेड एपिथेलियम आप देख सकते हैं कि यहां पर रॉड सेल्स और कॉन सेल्स की पूरी लेयर है, और दिस रॉड सेल्स और कॉन सेल्स की जो टर्मिनल साइनेप्टिक टर्मिनल जो एंड पोर्शन है वो अटैच्ड है बायपोलर नर्व सेल के साथ, ताकि वो सिग्नलिंग भेज सके। और ये जो बायपोलर नर्व सेल है उसके नीचे गैंग्लियोनिक सेल है, और ये गैंग्लियोनिक सेल फिर ऑप्टिक नर्व फाइबर बनाता है, और ये जो ऑप्टिक नर्व फाइबर आप देख रहे हैं, ये पूरा ऑप्टिक नर्व फाइबर आप जो देख रहे हैं वो फिर ऑप्टिकल नर्व बनाता है, और ऑप्टिकल नर्व फिर ब्रेन तक पहुंचती है। कॉन सेल और रॉड सेल का स्ट्रक्चर हम डिटेल में देख लेते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो आउटर मोस्ट सेगमेंट है वो चार स्ट्रक्चर के अंदर बना होता है, ये जो पूरा कॉन सेल और रॉड सेल है वो। तो उसमें पहला है वो आउटर मोस्ट सेगमेंट, फिर सेकंड इनर सेगमेंट, एंड दी थर्ड वन इज सेल बॉडी, एंड फोर्थ इज साइनेप्टिक टर्मिनल। तो ये जो आउटर सेगमेंट है उसके अंदर काफी सारे डिस्क होती है। तो डिस्क का क्या काम है? तो उसके अंदर काफी सारे फोटोसेंसिटिव रिसेप्टर होती है, जैसे कि रॉड सेल है जिसकी शेप आप देख सकते हैं कि और ऊपर से पूरी सिलेंडर है, तो रॉड सेल उसकी शेप है, तो इस वजह से इसको रॉड सेल कहा जाता है। और ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है उसके अंदर वेरियस फोटो सेंसिटिव पिगमेंट होते हैं। रॉड सेल है तो उसके अंदर रोडोप्सिन होगा, और देयर इज थ्री डिफरेंट फोटो सेंसिटिव पिगमेंट फाउंड इन दी
कौन से, और ये जो कनेक्टिंग सीलियम है वो कनेक्ट करती है दिस डिस्क को इनर सेगमेंट के साथ। तो इनर सेगमेंट के अंदर काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और दूसरी ऑर्गेनेल्स होती है लाइक गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द पोर्शन ऑफ दैट गोल्गी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो न्यूक्लियस है आप देख सकते हैं, उसके नीचे जो न्यूक्लियस से लेकर इनर सेगमेंट तक एक पूरी अपनी सेल बॉडी है, और इसके नीचे साइनेप्टिक टर्मिनल है। ये जो साइनेप्टिक टर्मिनल है, साइनेप्टिक वेसिकल्स यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए, साइनेप्टिक वेसिकल हो उसके पास होती है। क्यों? क्योंकि साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है, जो हम फोटो ट्रांसडक्शन के अंदर उसकी स्ट्रक्चर उसका फंक्शन हम बढ़ेंगे। ओके, तो ये जो अब देखते हैं एकोमोडेशन प्रोसेस जो लेंस की शेप और साइज डिसाइड करेगा। अब देखिए, जब भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वेरी फार साइड पे होता है, यानी कि आपके दूर होता है, तो वहां से जो रेज आते हैं उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है रिफ्लेक्ट होने की, क्योंकि वो रेज बिल्कुल ही स्ट्रेट होते हैं, एकदम स्ट्रेट होते हैं। तो इसीलिए व्हेनेवर योर ऑब्जेक्ट इज इन वेरी फार साइड, वो आपसे काफी दूर होता है जो ऑब्जेक्ट, तो तभी आपका जो लेंस है वो फ्लैटन शेप में होना चाहिए ताकि वो ज्यादा रिफ्लेक्ट न करे, क्योंकि रेज ऑलरेडी स्ट्रेट है। और जो ऑब्जेक्ट नियर साइड होता है, नजदीक आपके नजदीक जो होता है ऑब्जेक्ट, तो उसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होने की, रिफ्लेक्ट होने की जरूरत होती है। इसीलिए यहाँ पर लेंस की जो शेप है वो स्फेरिकल होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो सिलियरी बॉडी है उसके साथ है जो सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच्ड है। अब जब आप किसी भी ऐसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो आपसे काफी दूर है, तो तब क्या होता है कि आपकी जो सिलियरी बॉडी है, जस्ट इमेजिन माय फिंगर इज सिलियरी बॉडी, तो ये जो सिलियरी बॉडी है वो रिलैक्स होती है। इस वजह से ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो पूरा खींचता है, और इसी वजह से ये जो लेंस की शेप है वो फ्लैटेंड होती है। और जब भी आपका जो ऑब्जेक्ट हो नियर साइड होता है, तो ये जो सिलियरी बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस वो स्ट्रेच होती है, तो इस स्ट्रेच होने की वजह से ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो फिर रिलैक्स होते हैं, और इसकी वजह से जो लेंस की शेप है वो स्फेरिकल होती है। अब काफी सारे एरर्स होते हैं इनके अंदर। देखिए, ग्लोकोमा के अंदर क्या होता है, ये जो एक्वास ह्यूमर है और ये जो ये वाइट्रस ह्यूमर है, जो एक्वास ह्यूमर है वो लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है, और जो वाइट्रस ह्यूमर है वो लेंस और रेटिना के बीच में होता है। तो ये जो ह्यूमर है इनको ड्रेनेज होने की जरूरत होती है बारी बारी, ताकि नया ह्यूमर बन सके और वो मेंटेन रहे। तो ग्लोकोमा के अंदर ये जो जो वेसल्स, जो कैपिलरी इसको ले जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है, और इसकी वजह से ये जो नर्व सेल है आप देख रहे हैं, नर्व सेल बिल्कुल ही ड्राई हो जाती है, और इसकी वजह से ये जो सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच सकते। और ये जो प्रेसोपिया है, इसके अंदर लेंस बहुत ही हार्ड हो जाता है, लेंस बिकम वेरी हार्ड इन स्ट्रक्चर। जो कैटारेक्ट है उसके अंदर वेरी क्लाउडी हो जाता है, जिसके वजह से जो रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। और शॉर्ट साइट मायोपिया के अंदर ऐसा होता है कि आप सिर्फ नजदीक ऑब्जेक्ट को ही देख सकते हैं, और समटाइम इट इज कॉल्ड शॉर्ट साइट आई। इसके अंदर लेंस की जो साइज है वो बिल्कुल ही इट्स टू लॉन्ग। एंड जो फार साइट हाइपरमेट्रोपिया है, इसके अंदर जो लेंस की साइज है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, और समटाइम इट इज कॉल्ड फार साइट आई, बिकॉज इसके अंदर आपके जो दूर के जो ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से दिखाई देते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉच दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।